Hello guys, in this video we are discussing about the topic of VLANs, यानी कि virtual local area networks। दोस्तों virtual local area network एक logical virtual network होता है जो separate करता है एक बड़े network को into small networks। इसकी मदद से रिड्यूस कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सेपरेट करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो है सेपरेट करता है, जिससे कि नेटवर्क की फ्लैक्सीबिलिटी भी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा जो स्विच के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के बीच में या एक सेंट्रलाइज डिवाइसेस के साथ, तो ये एक लैंड नेटवर्क में होता है और यहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर, सर्वर, फोन, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, एक्सेस पॉइंट, ये सभी डिवाइसेस मेरे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि स्विच में अगर हमने VLAN कन्फिगर नहीं किया है तो ये जो है प्लग एंड प्ले की तरह काम करता है। कोई भी स्विच जो स्विच के साथ डिवाइस कनेक्ट होने के बाद उसमें जो है कम्युनिकेट कर लेता है, एक दूसरे को पैकेट भेज सकता है। तो अगर हमने VLAN कॉन्फ़िगर किया है तो इन सभी डिवाइसों को हम सेपरेट रख सकते हैं। सेपरेट रख के क्या है, ये एक तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हो जाएंगे और इसमें ट्रैफिक भी मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि ये मेरे दो PC, ये एडमिन के हैं, एडमिन डिपार्टमेंट के, ये तीन PC मेरे सेल्स के हैं, अगले तीन मेरे HR डिपार्टमेंट के हैं और ये मेरे अकाउंट के हैं। अगर ये इसमें कोई मैंने VLAN कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो ये सारे जो है एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो इजीली सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अकाउंट वाले भी HR में, सेल्स वाले, एडमिन वाले, सब एक दूसरे के साथ, इनमें खिचड़ी बनी पड़ी है, तो ये सेपरेट नहीं रहेंगे। इसमें कोई भी जो है एक दूसरे के साथ ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अकाउंट वाला सेपरेट रहे, ये अलग लैन बन जाए, इसका HR का अलग बन जाए, सेल्स और एडमिन का अलग अलग बन जाए, ये सेपरेट रहे, इनमें एक दूसरे डिपार्टमेंट के PC जो है कम्युनिकेशन ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें VLAN कॉन्फ़िगर करें। तो VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपने स्विच को मैनेज करना होता है। तो ये मेरे पास Layer 3 एक मैनेजेबल स्विच है, तो इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे, आपने अपने जो कंप्यूटर को, एक सेपरेट कंप्यूटर को, स्विच का जो कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट के साथ जो है हमने इसको कनेक्ट कर देना है और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है इस स्विच को मैनेज करने का उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है इस स्विच के साथ कनेक्टेड, मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूँगा। इसका सॉफ्टवेयर जो है, जैसे ये टर्मिनल पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एंटर करेंगे, मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसका ये बूट हो गया मेरा स्विच। स्विच को सबसे पहले मैं इनेबल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने स्विच को मैनेज नहीं किया होता है तो ये सिंपली एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इनेबल करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ शो VLAN। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN बना होता है जिसमें सारे पोर्ट उसी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम चाहे अपने PC को अलग अलग रख लें लेकिन वो एक VLAN के अंदर है, यानी कि ये सेपरेट नहीं है। तो ये मेरे सारे जितने भी पोर्ट है, 24 मेरे फास्ट इथरनेट, ये गेगा इथरनेट के दो पोर्ट है मेरे स्विच में, तो इसमें जितने भी मेरे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो सिर्फ एक ही VLAN के अंदर होंगे। तो सिस्को ने बाय डिफ़ॉल्ट और भी VLAN यहाँ पे क्रिएट किए होते हैं, जैसे ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम इसके अलावा और यहाँ पे जैसे मार्केटिंग के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 जो VLAN हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो पोर्ट है मेरे, मान लीजिए मैंने 1 से लेके 2, 3, 4 PC जो है ये मेरे जो है एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ पे मैंने कनेक्ट किए हैं, और 5, 6 लेके 8 मैंने सेल्स के हैं, 9 से 12 जो मेरे पोर्ट हैं इसके साथ मैंने अकाउंट के PC कनेक्ट किए हैं, और ये जो मेरे है ये अलग वर्क स्टेशन के मैंने PC यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर ये एक VLAN में होंगे तो ये सारे एक दूसरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरे जो PC हैं इतने इतने पोर्ट में जो कनेक्टेड है ये मेरे इस अलग VLAN में रहेंगे, ठीक है। इसको मैं अलग VLAN में रख सकता हूँ, तो जिससे कि ये अलग नेटवर्क बन जाएगा। ऐसे इसको मैं जो डिवाइस है इसको मैं अलग रख सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ पोर्ट को सॉफ्टवेयर वाइज। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्ट।
आप क्या करेंगे, जैसे मेरे एडमिन के पीसी है, यहाँ पे वीलैन मेरा क्रिएट है, तो इसको वीलैन 1 में रख सकता हूँ, सेल्स को वीलैन 2 में रख सकता हूँ, एचआर को वीलैन 3, अकाउंट को वीलैन 4 में रख सकता हूँ। तो जितने भी मेरे ये कंप्यूटर यहाँ पे मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड, तो इसमें इस पोर्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये जो मेरे पीसी एचआर के हैं, एचआर के लिए इतने बारे पोर्ट जो है मैंने सेट कर रखे हैं, अकाउंट के जो मैंने ये पोर्ट सेट कर रखे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वीलैन क्रिएट करेंगे और उसमें ये पोर्ट को असाइन कर देंगे वीलैन के लिए, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो सेपरेट रहेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क मैंने बना के बताया हुआ है, तो यहाँ पे इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है अगर हमने वीलैन नहीं क्रिएट की है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के पीसी जो हैं इसमें कनेक्टेड हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे मार्केटिंग 1 में वीलैन मैंने क्रिएट किया, मार्केटिंग 1 के लिए जो ऑरेंज में है, तो जितने मेरे ऑरेंज के पीसी हैं ये मेरे मार्केटिंग के हैं, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी हैं, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। वीलैन 1 के पार्ट है तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये यहाँ पे जो पीसी हैं, यहाँ पे जो पीसी हैं, ये मेरे वीलैन 1 के पार्ट हैं। ऐसे ही जो मेरे ग्रीन में है यहाँ पे, ये मेरे जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बाकियों के साथ नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो मेरे कैमरे हैं, आईपी फ़ोन है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट है, तो ये मेरे जो है ये पर्पल कलर में मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, ये मेरे अलग वीलैन में, वीलैन 3 में ये मेरे काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये एक सेपरेट नेटवर्क मेरा बन गया है, तो इसको मैं मैनेज इजीली कर सकता हूँ। उसी तरीके से जो मेरे सेल्स के हैं, ये मेरे ब्लू में यहाँ पे शो कर रखे हैं, यहाँ पे कुछ पीसी हैं, यहाँ पे कुछ पीसी हैं, तो ये अलग नेटवर्क मेरा बन जाता है वीलैन की मदद से। तो ये हमें मैनेज करना बड़ा ही आसान है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी ईजी होता है, हर नेटवर्क में, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम जो है इसको कॉन्फ़िगर करना बताएंगे, कैसे हम अपने पोर्ट असाइन करेंगे वीलैन में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीलैन के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।